इल्म, उसकी नॉलेज आपको चाहिए होती. सो दिस मीन्स दैट पाकिस्तान हैज पोटेंशियल एंड पाकिस्तान हैज अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सके अपने सिविलियन साइड के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल रिसेंट अगर आप देखिए पाकिस्तान SPD के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एयरफोर्स के बहुत सारे लोग हैं. हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, लेकिन दुनिया में ड्रोन अब डिफेंस से पहले उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में है. एग्रीकल्चर जो है इम्प्लीमेंट्स को तब्दील करके रख दिया है ड्रोन्स ने, लेकिन हम अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर इस्तेमाल में नहीं ला सके. अब आइए हम क्या कर रहे हैं. नंबर वन, पहले मैंने चीफ साहब से भी गुजारिश की है, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है, जो मैं ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से गुजारिश की है, वी नीड टू क्रिएट ए इंटरफेस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हमें सिविल साइड के ऊपर हमारी सिविल ऑर्गेनाइज, अभी हमने मैपिंग कराई अपनी R&D ऑर्गेनाइजेशन की सिविलियन साइड के ऊपर, हमें पता चला कि हमारी 527 रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एग्रीकल्चर में कोई 197 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक को भी पता नहीं है कि दूसरी क्या कर रही है. तो हमने कोशिश की है कि इसकी मैपिंग करें और इनको एक अम्ब्रेला में लेके आए. इनको जिस तरह डॉक्टर नवीन साहब अभी बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज का, एकेडेमिया का और जो इंडस्ट्री है उसका ताल्लुक नहीं है, या R&D वालों का भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. So what we are trying to do, we are trying to create an umbrella of R&D organizations. हम अगला जो अगले 10 साल का, देखिए पहली बात तो यह है कि दुनिया में अब प्लानिंग जो है ना वो 10-10 साल की होती है. कोई एलान मस्क आ जाता है वो पूरी दुनिया को ऊपर से नीचे कर देता है, कोई बिल गेट्स आ जाता है वो दुनिया को आगे से ऊपर से नीचे कर देता है. अभी भी अगर जो लोग, चूंकि आप, खैर मैं तो वकील हूँ, धक्के से इसमें आ गया हूँ, लेकिन आप लोग जो सारे यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिनको आपको पता है 5G इज जस्ट ऑन आवर डोर स्टेप्स. तो जो 5G टेक्नोलॉजी है वो उतना ही बड़ा रेवोल्यूशन होगा जितना इंटरनेट खुद है, क्योंकि उसके नतीजे में हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो मीडिया है, हमारी जो फिल्म है, वो पूरी तब्दील होकर के रह जाएगी. क्योंकि जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी है, होलोग्राम टेक्नोलॉजी में इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं इसी वक्त जो है वो लाहौर में भी होना चाहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होलोग्राम टेक्नोलॉजी में, लेकिन उसकी क्वालिटी अभी वो नहीं है. लेकिन जब 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी विल प्रैक्टिकली रिप्लेस योर जो आपका एक इंटरेक्शन है कि फोन बिल्कुल बदल के रह जाएगा. आप अपने फोन के ऊपर जब वीडियो कॉल करेंगे तो वो लगेगा कि बंदा खुद ही सामने बैठा हुआ. आपके फिल्म स्टूडियोज जो है वो बिल्कुल वर्चुअली तब्दील होकर के रह जाएंगे. सो हमें ये फ्यूचर जो है, मैं जब पहले मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और मैं मीडिया में बता रहा था कि ये आगे तब्दीलियां आ रही हैं और बड़ी तेजी से आ रही हैं. अभी देखिए इंटरवेंशन होनी है, हमारी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन होनी है मुख्तलिफ बिजनेसिस में और हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए. मैं मीडिया इज वन सेक्टर, ये जो मीडिया में बेरोजगारी का मामला आया है या लोगों का आया है, ये जो भी लोग टेक्नोलॉजी देख रहे थे वो पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे. इट्स नॉट अ क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी, इट्स अ क्राइसिस ऑफ टेक्नोलॉजी. लाइकवाइज हमारा अगला ड्राइवरलेस कार्स, ये अभी सिर्फ जो है अमेरिका ने अपनी कैलिफोर्निया में और बाकी जगहों के ऊपर जो है इसको रोका, इस वजह से कि बेरोजगारी हो जाएगी. आप जरा अंदाजा करिए कि अगर ड्राइवरलेस कार्स आएंगी तो आपके हजारों ड्राइवर जो है वो बेरोजगार होंगे, लेकिन उसके साथ अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी, सिर्फ आपको एक अमेरिकन स्टेट के लिए 40,000 लोग चाहिए होंगे जो पाकिस्तान में बैठ करके रिमोट कंट्रोल के ऊपर अमेरिका की जो गाड़ियां हैं, बस हैं, ट्रक हैं, उनको रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला सके. सो एक तरफ हमारी जॉब्स खत्म हो रही होंगी, दूसरी तरफ क्रिएट हो रही होंगी. दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन के 10 साल में टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी, किन किन जॉब्स को इफेक्ट करेगी, किन किन चीजों को जो है वो आगे लेके जाएगी, किन किन चीजों को हमें पीछे लेके जाएगी. हम क्या कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहली बात 8 महीने में हमने, इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी मैं था तो मैंने कोशिश की 70 साल के सबसे बड़े रिफॉर्म्स इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में मैं लेके आया. APP के ऊपर हम 88 करोड़ रुपया इस वक्त भी दे रहे हैं. मैंने कोशिश की कि उसको हम डिजिटल एजेंसी बना सकें.
पीटीवी में मैं उसको मॉडर्नाइज करने की पूरी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे जो रिफॉर्म्स किए वो आगे नहीं चले हैं। यहां पर आके 8 महीने में हमने अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका बजट जो है वो 600% हमने इंक्रीज किया था। डॉक्टर अताउर रहमान साहब उनकी इसमें बहुत एफर्ट रही, कोशिश रही। अब हम अगले 10 साल में यहां पे क्या करना चाह रहे हैं, नंबर वन बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको अपना फोकस करना चाह रहे हैं। 4% हम चाहते हैं हमारा जीडीपी का बायोटेक्नोलॉजी से आए। हम रूटीन के आलू मटर गाजर बेच के अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बराबर कर सकेंगे अपने इंपोर्ट्स के। सो यू हैव टू रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी इफ यू वांट टू कैच अ फ्यूचर। सो उसके लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी को फोकस करना है। 4% हम यहाँ पे जो अपना जेलम के ऊपर में जो अपना बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाह रहे हैं, इसके बाद हम पेशावर में बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाह रहे हैं। उसके साथ ये जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं इनके लिए हम अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैंने गुजारिश की है और इस हफ्ते हम इसके ऊपर जो है वो मीटिंग भी करेंगे एनसीएसटी में भी, जैसे आपने कहा कि पॉलिसी में लेकर के आए। मेरी ये रिक्वेस्ट है जो मैंने अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी उठाई है, 10 साल के लिए पाकिस्तान में हाईटेक इंडस्ट्री को हम 0% के ऊपर लेके आए। उसके बाद हमें यहाँ फैक्ट्री सेटअप के लिए हमें 0% कस्टम ड्यूटी के ऊपर हम लेके आए ताकि हम इंटरनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकें पाकिस्तान की तरफ। इस वक्त हमारा सबसे हमारे लिए मसले क्या है, एक तरफ हमारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, एक तरफ हमारे अपने एचआर के प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है, हमारा मुल्क जो है इस वक्त दुनिया का 3rd या 4th लार्जेस्ट मुल्क है जो हम अपना फ्रीलांस करते हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन हमारे यहां पेपैल ही नहीं है। जब पेपैल नहीं है तो हमारी पेमेंट्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, बिकॉज हमारे बच्चों को थर्ड पार्टी लानी पड़ती है पेमेंट्स के लिए। जब वो थर्ड पार्टी लाते हैं तो 30% हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। सो मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी जब भी बात होती है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होती है जब तक अमेरिका से हम ओपन अप नहीं होंगे, हमारे टेक्नोलॉजी 60s का रेवोल्यूशन में अमेरिका का पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल था, इस वक्त भी हमें अमेरिका से ओपन अप होने की जरूरत है। अमेरिका से हमारे टेक्नोलॉजी में साइंस में ताल्लुकात होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको हमें लाजमी तौर के ऊपर और सिविल साइड के ऊपर हमें जो है वो खोलने की जरूरत है। इसको हम फोकस करें ताकि पेपैल हमारे यहाँ खुले, हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बाहर जा सकें। सेकेंडली हमारी अपनी एचआर का जो इशू है, हम इस्लामाबाद में पहला अपना इंशाल्लाह नस्ट में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ओपन हुआ है, अब हम सेकेंड इंशाल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो इस्लामाबाद में हम अपनी जगह के ऊपर ला रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क हम लाएंगे, इंटरनेट बैंडविड्थ होगी, सारी टॉप कंपनीज भी वहां पे आ जाएं, यूनिवर्सिटीज भी वहां पे आ जाएं, एंटरप्रेन्योर्स भी वहां पे आ जाएं। सो पैसे लग, और ये गवर्नमेंट इसको लीड नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर इसको लीड करेगा। आई वॉन्ट प्राइवेट सेक्टर टू लीड ऑल दीज इनिशिएटिव। एग्रीकल्चर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स हम बनाना चाहते हैं जिसमें भी प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा और हमारा जो गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है वो उसके साथ रहेगा। सो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद ये है कि अगले 3 सालों में हम एक ऐसी बुनियाद रख पाएंगे कम अज कम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि अभी भी जिस तरीके की एक्टिविटी हमने जनरेट की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आई विश फ्रेंकली कि आईटी मिनिस्ट्री से हमें थोड़ा पुश मिलता और उसको भी हम थोड़ा जो है वो कर पाते। उतना पुश आईटी मिनिस्ट्री में नहीं मिल सका जितना कि हमें उसके ऊपर एम्फेसिस करने की जरूरत थी। ई गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, बाकी मॉडल्स हैं, वो हम उसको ला सकते थे, लेकिन बहरहाल जहाँ तक हमारी कोशिश है, एफर्ट है, उसमें इंशाल्लाह ताला हम अगले 3 साल में एक ऐसा फ्रेमवर्क जरूर देके जाएंगे कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान जो हमारी ग्लोरी थी, पास्ट ग्लोरी थी 60s की, हम उसके नजदीक तर जरूर जा सके। थैंक यू वेरी मच।